कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर पर कल पीएम निवास पर हुई बैठक में कश्मीर के विकास के साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी से लेकर सभी नेता इस बात पर सहमत थे कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाए जाए। चुनाव के इंतजार में बैठे जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी की बैठक से बड़ी राहत मिली है। पीएम मोदी समेत सारे नेता एक सुर में इस बात पर रजामंद दिखे कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होने चाहिए और इस जल्द का जवाब जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने एबीपी न्यूज पर दे दिया। एबीपी न्यूज से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने दावा किया है कि इस साल दिसंबर तक परिसीमन का काम पूरा हो सकता है, जिसके बाद 2022 की शुरुआत में सरकार संभव है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको काम दे दिया गया है, बहुत जल्द इस पर कार्रवाई हो रही है। उम्मीद है कि इसी वर्ष आने के अंत तक ये प्रसीमन का काम होगा और उसके जल्द बाद तुरंत बाद इलेक्शन। प्रधानमंत्री जी ने आज तक जो ट्वीट किया है आज, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो हमेशा करते हैं। प्रधानमंत्री ने भी बैठक में जल्द चुनाव की वकालत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है, परिसीमन का काम तेजी से होना चाहिए ताकि चुनाव हो सके और जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार विकास के ग्राफ को आगे ले जा सके। पिछले साल निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना इस बात की तस्दीक कर रहा है कि घाटी में हालात सामान्य हो रहे हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव की मांग भी जोर पकड़ रही है। अब आपने पंचायत के इलेक्शन किए, जिला परिषद के इलेक्शन किए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विधानसभा न हो? तो इसलिए विधानसभा का इलेक्शन भी तुरंत करना चाहिए, डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे इलेक्शन हो और एक चुनी हुई सरकार आ जाए और चुनी हुई सरकार जो है वहाँ के लोगों के लिए फिर फैसले लें। उन्होंने खुद माना कि ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों को कभी कबूल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम तेजी से चल रहा है। परिसीमन के बाद सीटों का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। पुराने परिसीमन पर एबीपी न्यूज से बात करते हुए कविंद्र गुप्ता ने अपना दर्द जाहिर कर दिया। जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे जम्मू के साथ होती रही है, हमारा एरिया ज्यादा था, हमारी आबादी ज्यादा थी, तो कुल मिलाकर के आज जिस सीट से मैं इलेक्शन लड़ता हूं वो 2 लाख वोटर्स की सीट है, लेकिन कश्मीर में ऐसी सीटें हैं जिसमें 17,000, 20,000 और 50,000 वोटर है। क्या ये बेइंसाफी नहीं थी? आबादी के लिहाज से परिसीमन के बाद जम्मू के खाते में सीटों का इजाफा होना तय है। आपको जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का गणित भी समझ आना चाहिए। संसद में पेश पुनर्गठन विधेयक के मुताबिक जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ जाएंगी, यानी विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 107 से 114 हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल 111 सीटें थी, जिसमें कश्मीर में 46, जम्मू में 37 और 4 सीटें लद्दाख में थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए 24 सीटें थी। पाकिस्तान के कब्जे में होने की वजह से यहां चुनाव नहीं होते थे। अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख की 4 सीटें कम हो गई, जिसके बाद विधानसभा सीटों की संख्या 107 रह गई। यानी अब जब भी चुनाव हुए तो 90 सीटों पर होंगे। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी सीटें रिजर्व रहेंगी। जम्मू कश्मीर को लेकर हुई ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ से लोकतंत्र का रास्ता खुलेगा, यानी कि विधानसभा चुनाव का रास्ता खुलेगा, उसके लिए परिसीमन भी हो रहा है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के कविंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। कविंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने ये कहा कि दिसंबर के अंत तक चुनाव हो जाएंगे, दिसंबर के अंत तक परिसीमन की रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद चुनाव का रास्ता खुल जाएगा। मेरा सवाल ये है कि इस एक साल में, कविंद गुप्ता जी आपको आवाज मिल रही है? आवाज नहीं आ रही। कविंद गुप्ता जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज
किसी तकनीकी खामी की वजह से उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे ही आवाज़ पहुंचेगी उनके पास चलेंगे। तब तक आपको बता दें, कल जो 8 दलों के 14 नेताओं की प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई थी, उसमें कविंद गुप्ता भी मौजूद थे। बीजेपी कोटे से 3 मंत्री जो शामिल हुए थे जम्मू कश्मीर के, उसमें कविंद गुप्ता भी थे। कविंद गुप्ता जम्मू कश्मीर विधानसभा के वो अध्यक्ष रहे हैं, वे उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और फिलहाल जम्मू के गांधीनगर सीट से विधायक भी हैं। आपको बता दें कि धारा 370 लागू होने के बाद से जम्मू कश्मीर में ये पहला मौका था जब जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की थी। और इस बैठक के बाद अब जो कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो जमहूरियत का रास्ता है वो खुलने जा रहा है। कविंद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। कविंद गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर 1 साल बाद चुनाव होंगे, धन्यवाद, तो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने ही होगी, क्योंकि धारा 370 हटाना और उसके बाद केंद्र शासित राज्य उसको बनाना, इसके खिलाफ राज्य में एक तबका है जो बहुत ज़्यादा मुखर है आप लोगों के खिलाफ। देखिए, राजनीति में पक्ष विपक्ष रहता ही है। पक्ष अपनी बात कहता है और विपक्ष अपनी बात कहता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार DDC या BDC के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में परचम लहराया है। ये गुपकार के लोगों ने इकट्ठे मिलकर के इलेक्शन लड़ा, तो कहीं ना कहीं भाजपा का डर तो होगा ही। हम खुद समझ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पिछले 1.5-2 वर्ष से और इससे पहले भी, चाहे वो कोरोना महामारी भी हो, तो उसके दौरान खुल करके काम किया है और लोगों के हित में काम किया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है वो हम भली भांति जानते हैं। किसी भी प्रदेश में 2 एम्स नहीं है, किसी भी प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं जो सरकार द्वारा खोले गए हों। आज वहाँ पर रिंग रोड्स, नेशनल हाईवेज, ये जो हजार हजार मेगावाट के 4 नए प्रोजेक्ट्स, कटरा दिल्ली वाया अमृतसर ये एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। यहाँ पर एक ही शहर है हिंदुस्तान में जहाँ IIT है, IIM है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, एम्स है। तो जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है, और ख़ास करके कोरोना महामारी के दौरान हमने राजनीतिक गतिविधियां को थोड़ा कम करके सेवा ही संगठन इस नाम से स्लोगन दे करके लोगों के बीच में काम किया है और लोग हमें पहचानते हैं, लोग हमें जानते हैं। तो आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहतर समय होगा और भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी, ऐसा मैं दावा करता हूं। कविंद गुप्ता जी, लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता है संगठन के, जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक कुछ राजनीतिक दल हैं जो पाकिस्तान परस्त राजनीति करते हैं, बार बार पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर की राजनीति से जोड़ते हैं। ये कौन सा तबका है जो चाहता है कि जम्मू कश्मीर में जब लोकतंत्र बहाल हो, जम्मू कश्मीर में जब खुशहाली आए, तो पाकिस्तान से बात क्यों की जाए? देखिए, नंबर एक, ये प्रेरोगेटिव जो है ये भारत सरकार है का है, ना कि उन राजनीतिक दलों का, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान के कारण ही जो हम यहाँ पर इस प्रकार के पाकिस्तान प्रस्त लोग पैदा करते रहे, उसी के कारण से ही यहाँ अलगाववाद फैला, उसी के कारण से यहाँ आतंकवाद फैला, उसी के कारण से बेरोजगारी फैली, उसी के कारण से भ्रष्टाचार फैला, उसी के कारण से परिवारवाद फैला। ये हमें समझना होगा। आज धारा 370 5 अगस्त 2019 के बाद मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए वो पाकिस्तान के झंडे, कहाँ गए वो रोज़मर्रा के बंद, कहाँ गए वो जो एक मिलिटेंट का जनाजा निकलता था तो लाखों की तादाद में वहाँ पर पीछे पीछे लोग आते थे, कहाँ गए वो पत्थरबाजी। इन सब के हालात सुधरे हैं, लोग शांति के साथ जीना चाहते हैं। 30-32 साल में एक पीढ़ी ने सब कुछ यही माहौल देखा है। इस माहौल से तंग आ करके ये कोई भी दावा करे, कोई कश्मीर का व्यक्ति नहीं चाहता, कोई जम्मू का व्यक्ति नहीं चाहता, वो अमन शांति चाहते हैं। हमारे पास कुदरत की एक ऐसी बड़ी देन है कि हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि हम टूरिज्म को डेवलप करें। मैंने छोटे छोटे द्वीप देखे हैं, मालदीव चले जाओ, मॉरिशस चले जाओ, दूसरी जगह चले जाओ, यहाँ पर कि लोग
टूरिज्म के माध्यम से पूरे देश की इकोनॉमी चलाते हैं। जम्मू कश्मीर में इतना पोटेंशियल होने के बावजूद एक तो ये जो धारा 370 हटने के बाद यहाँ से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। पहले लोगों को डर होता था कि हम यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, आज इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए हमारे पास बहुत बड़े मौके हैं। अगर हम टूरिज़्म को डेवलप करें तो हमारे यहाँ बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। इसलिए इन लोगों ने नहीं किया, किसी पर्टिकुलर इलाके पर फोकस किया। लेकिन जम्मू कश्मीर में ही बहुत सारे दल हैं जो कह रहे हैं कि धारा 370 को फिर से लागू किया जाए और पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाए, उसके बाद ही वो चुनाव में हिस्सा लेंगे। देखिए, जहां तक धारा 370 की बात है, वो दिन में सपने लेना बंद कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का, जब हम प्रजा परिषद थे, जब हम भारतीय जनसंघ थे, जब हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हमने कहा था कि ये हमारा एजेंडा है कि धारा 370 को हटाना। हम आए, हमने धारा 370 को हटा दिया। और जहां तक स्टेटहुड का सवाल है, मैं आपके विश्वास दिलाता हूं, प्रधानमंत्री जी संसद के दोनों सदनों में और गृह मंत्री जी ने यह कहा है, जब भी उपयुक्त समय होगा, परिस्थिति सामान्य होगी, तो यहाँ पर पूरी स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो हमारा जम्मू कश्मीर विंग है, वो इसके लिए हमने भी कल बात रखी है और उम्मीद है कि यहाँ पर स्थितियाँ नॉर्मल होने के बाद बिल्कुल से द्वारा ये हम स्टेटहुड बोलेंगे, फुल फ्लैश स्टेट। अविन गुप्ता जी, आप तो परिसीमन आयोग की बैठकों में जाते रहे होंगे, स्थानीय विधायक होने के नाते आपको भी बुलाया जाता होगा, आपको क्या लगता है परिसीमन आयोग की रिपोर्ट कब तक आएगी और कब तक मुफीद समय होगा जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो पाएंगे? देखिए, हम उम्मीद करते हैं, परिसीमन का एक सिस्टम होता है, एक समय होता है, और बारी बारी से सभी दलों के साथ मिलना, जनता के जो सजेशंस हैं उनको लेना, ये सारा जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट होने में, अभी परसों ही एक मीटिंग थी वहाँ के स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ, तो सारा जायज़ा उन्होंने लिया है। तो हम भी समय समय पर इनको ये दिखाते हैं। मैंने पहले भी, कल भी रिपीट किया था, आज भी ये कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में सीटों पर वोटर्स का बहुत बड़ा भेदभाव है। आज जिस सीट से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, जम्मू गांधीनगर से, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर हैं 2 लाख वोटर। और कश्मीर में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 17,000, 20,000, 50,000 इतनी सीटें हैं। कहीं ना कहीं इस सिस्टम को ऐसा मापदंड अपनाना होगा कि जिससे कि सभी सीटें बराबर हों। उसमें एरिया आप देख सकते हैं, उसमें आप असेसिबिलिटी देख सकते हैं, उसमें आप टेरर देख सकते हैं, उसमें आप वोटर्स देख सकते हैं, उसमें आप पॉपुलेशन देख सकते हैं। एक ही मापदंड अगर अपनाया जाएगा तो निश्चय ही सभी इसके लिए सेटिस्फाइड होंगे और ट्रांसपेरेंट। अभी तक जो मापदंड उभरा है, कविंद्र गुप्ता जी, किस मापदंड पर सहमति बन पा रही है? क्योंकि बिना सहमति के राजनीतिक दलों के भी परिसीमन आयोग को परिसीमन की घोषणा करना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, वो सभी जो इसके मेंबर्स हैं, हमारे पार्लियामेंट मेंबर भी हैं, अब पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असहमति जताई थी, लेकिन अब उन्होंने भी माना है कि हम परिसीमन आयोग में हिस्सा लेंगे। तो जो एक बारी बारी से सभी राजनीतिक दलों को बुला करके भी वो, मुझे लगता है कि अपनी उनकी बात सुनेंगे, तो निश्चय ही जब सीटें होंगी, जो गलतियां पीछे हुई हैं वो आगे से ना हो, इसलिए हम परिसीमन आयोग से यही उम्मीद। तो अभी कितनी आबादी पर एक सीट, एक विधानसभा सीट बनने का फार्मूला बनता आपको दिख रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि 80,000 से 1,00,000 बीच के बीच जो वोटर है, अगर उसको मापदंड माना जाए, तो निश्चय ही अगर हमारी आबादी 1,00,000 कोई 20-25,000, 1,20,25,00,000 के लगभग है, तो उसमें 70% वोटर भी नहीं है, उसको डिवाइड करके हम इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये बातें पहले ही परिसीमन आयोग के ध्यान में लाई गई हैं, तो परिसीमन आयोग निश्चय ही इस पर वो करेगा। और ख़ास करके कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये खास करके एसटी कम्युनिटी जो इग्नोर हुआ करती थी, गुज्जर बकरवाल को अधिकार दिए हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि मैं विधानसभा का स्पीकर रहा हूं, तो कुल मिलाकर के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है
उनको भी रिप्रेजेंटेशनबिलिटी चाहिए। हमारे पीओके के जो हमारे रेफ्यूजी हैं जिनको 1947 में यहाँ पर आने के बाद मीरपुर, मुजफ्फराबाद इस प्रकार के इलाके जो वहाँ पर रह गए, वहाँ के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, वो अपनी बात कह सकें। एक बहुत बड़ा तबका है ये, तो इसलिए मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को जो 114 सीटें कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा में होंगी, क्या नए परसीमन के फार्मूले के बाद ये बढ़ भी सकती हैं? और उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि क्या एससी एसटी के लिए कुछ सीटों का फार्मूला तय हुआ है, उनको उनके उस तबके को कितना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, कितनी सीटें उनके लिए आरक्षित होंगी? देखिए जहाँ तक एसटी एससी का सवाल है, उसमें 7 सीटें उन्होंने आरक्षण करनी है, और पहले से ही जो कुछ अनुसूचित जाति के लिए सीटें होती हैं वो उसके में भी कहीं ना कहीं बदलाव होगा। और मैं ये भी कहूँगा कि पहले हमारी 87 सीट हुआ करती थी जब लद्दाख हमारे साथ था, लद्दाख चले जाने के बाद जब यूटी बना है तो चार सीटें उनकी थी, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है लद्दाख का, जम्मू और कश्मीर दोनों से बढ़कर है, लेकिन वहाँ पर आबादी बहुत कम थी। अब हमारे पास जम्मू कश्मीर यूटी में 83 सीट्स बची हैं और उसको 90 तक आंकड़ा पहुँचाया जाना है। बाकी जो 24 सीटें हैं मैंने पहले कहा कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रखी हैं, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे जो पीओके के रिफ्यूजीज हैं, मुजफ्फराबाद के हैं, दूसरे जो भी रिफ्यूजीज हैं, उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिले और जो विधानसभा में खाली सीटें पड़ी होती हैं उनको भरा जाए। लेकिन जो कश्मीर में ज़्यादा असर रखने वाले दल हैं, उनका हमेशा से ये रहा है कि अगर आबादी के लिहाज से करेंगे परसीमन तो फिर जम्मू का वजन बढ़ जाएगा, और ऐसी सूरत में उनकी पार्टी का जो दावेदारी होगी विधानसभा में वो कम होती चली जाएगी। क्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए कश्मीर में असर रखने वाले दल इसके लिए सहमति दे पाएंगे? देखिए, सहमति तो देनी पड़ेगी। अगर हमारे साथ बेइंसाफी होती रही है पिछले 70 सालों से, तो हम थोड़ी उसको सहन करने वाले हैं। हम चाहेंगे ना तो कश्मीर के साथ बेइंसाफी हो, ना जम्मू के साथ बेइंसाफी हो, इसलिए सभी को इंसाफ मिले। ये इंसाफ तभी मिल सकता है जब मापदंड एक अपनाया जाए। अगर किसी को खुश करने के लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये भारत एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, कभी सरकार में एक आबादी के हिसाब से 80,000-1,00,000 सीट पर अगर एक विधानसभा बनती है तो जम्मू में कितनी सीटें बनेंगी और कश्मीर में कितनी सीटें होंगी? देखिए, प्रपोर्शनेटली ये काम उनका है, मैं इस पर अपनी टिप्पणी करूं तो वो ठीक नहीं रहेगा। ये हमें विश्वास है कि जम्मू में कुछ ना कुछ सीटें जरूर बढ़ेंगी। हम नहीं कहते कि कश्मीर के साथ बेइंसाफी हो, हम ये भी नहीं, और जम्मू के साथ बेइंसाफी हम होने नहीं देंगे जो पहले हो चुकी है। इसलिए ज़रूरी है कश्मीर और जम्मू को हमने साथ लेकर के चलना है। उस आधार पर इस प्रसीमन में सभी को इंसाफ मिले, ये ऐसी हम आयोग से उम्मीद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं बड़े सुलझे हुए लोग होते हैं, और साथ में उसके जो मेंबर्स हैं पार्टीज से भी हैं, जिनके मेंबर पार्लियामेंट हैं वो भी उस बैठक में बैठने वाले हैं। इसलिए सब मिलजुल करके जम्मू कश्मीर के हित की बात करें तो मुझे लगता है निश्चित ही न्याय होगा। तो कविंद गुप्ता जी, जो बीजेपी का एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर में पहला हिंदू मुख्यमंत्री बने, अगर जम्मू का विधानसभा में दबदबा बढ़ा सीटों के लिहाज से, तो ये अचीव कर पाएंगे? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी एक टारगेट तय करके काम करती है और हम तय करेंगे, लेकिन आज तक हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बना है, इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ पर हिंदू मुख्यमंत्री भी होना है। ऐसे ही एक सिस्टम चलता रहा है, यहाँ पर मुस्लिम ही बन सकता, उसी का कारण था। ना तो हम मुस्लिम के खिलाफ हैं ना हिंदू के खिलाफ हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि वहाँ पर जो एक आवाज़ उठा दी, यहाँ पर मुस्लिम ही बन सकता, हिंदू क्यों नहीं बन सकता? इस देश में रहने वाले, इस स्टेट में रहने वाले सभी लोग हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारी जो कार्यशाली है, पहले से कश्मीर में हमने अपना आधार बढ़ाया है। आज कश्मीर में हमारे 25 सरपंचेज हैं, आज कश्मीर में हमारे DDC मेंबर्स हैं, आज कश्मीर श्रीनगर की जो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें हमारा हेल्थ एंड सैनिटेशन का चेयरमैन है। इस प्रकार से हालांकि हमने इसके लिए कुर्बानियां भी दी हैं, और भारत का झंडा उठाकर चलने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ पर
राष्ट्रवाद की स्थापना करने में सबसे आगे है और हमें उम्मीद है। और आज जिस प्रकार के मोदी सरकार को के नेतृत्व में सभी के साथ एक न्याय हो रहा है, कश्मीर के लोग भी हमारा समर्थन करेंगे आने वाले इलेक्शन में, हम निश्चय ही वहाँ से सीटें जीत करके आएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कविन गुप्ता जी आपका एबीपी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए, एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। कविन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, डिप्टी सीएम रहे हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा है कि एक दिन ज़रूर जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री बने और उसके लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।